अरे इतना टाइम हो गया है और ये सनी अभी तक आया क्यों नहीं? अरे मुझे और भी कई जगह कोचिंग पढ़ाने जाना है पर ये अभी तक आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और वेट कर लेती हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं चली जाऊँगी। हाँ अरे ये अजय का मैसेज पड़ा हुआ है, मैम आज मत आना पढ़ाने, मैं गांव जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये तो गांव जा रहा है, चलो सनी आ जाएगा, इसको ही पढ़ा दूंगी आज। पर ये अभी आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया? अरे यार मैं तो आज बहुत लेट हो गया, मैडम आज मुझ पर बहुत गुस्सा होगी, मैं क्या करूं, क्या बहाना मारूं जिससे मैडम गुस्सा ना हो। हाँ मैं मैडम से कह दूंगा कि मेरे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। ये ठीक रहेगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते सनी, तुम बैठो इधर। और इतना लेट क्यों आए हो आज तुम? वो मैडम मेरे ना पापा का ना एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया? जी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया आज। तो तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? वो मैं भूल गया था। अच्छा जो होमवर्क दिया था वो करके लाए हो? होमवर्क? हाँ। नहीं मैडम वो भी नहीं कर पाया मैं। क्यों? वो मैडम मैं कैसे कर पाता, सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, पहले उसे देखता या होमवर्क, वो मैं कल करके ले आऊंगा। कहीं तुम उसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैडम मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, क्या पता तुम पढ़ाई की वजह से झूठ बोल रहे हो तो? तो नहीं मैडम मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा। अच्छा पूछो तुम्हारे घर फोन करके। नहीं नहीं घर पे फोन मत करना, अभी तो पापा को लेके सब परेशान है और आप फोन कर देंगी तो वो लोग बहुत टेंशन में हो जाएंगे। अभी छोटी सी चीज है मैडम, इसके लिए फोन क्या करना, मैं कल करके लिए आऊंगा ना। कल क्यों, अभी करो होमवर्क। ओके अच्छा सुनो अपना होमवर्क कर लो, ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके मैडम। कर लेना पूरा, कोई बहाना नहीं चाहिए इस बात, समझे ना? ठीक है। अरे यार ये मैडम कितनी गुस्से वाली है, मैं इन्हें पसंद करता हूँ पर ये बात अगर मैं इनको बताया तो ये मुझे बहुत मारेगी, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं, आज तो मैं बोल ही दूंगा। हाँ चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, मुझे मार के भगा देंगे ना, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो बोल के रहूँगा कि मैडम मैं आपको लाइक करता हूँ। हाँ ये जो मैंने बनाया है ना इसी में लिख देता हूँ, मैडम जी आई लव यू। दिखाओ होमवर्क हो गया तुम्हारा, चेक करूं? जी जी मैडम हो गया। तो मैडम कल चेक कर लेना। अरे तुम पागल हो क्या, कल क्यों चेक करूं? मैडम मैं तुम्हारी हूँ या तुम मेरे हो? हाँ पढ़ाती मैं तुम्हें हूँ, जो बोल रहे चुपचाप करो दो। और ये सब क्या है, तुम यहाँ पढ़ने आते हो या ये सब करने आते हो? हाँ अब कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे बैठे रहोगे? वो क्या है ये सब, तुम यहाँ पढ़ाई करने आते हो या फिर अय्याशी करने आते हो? हाँ तुम्हें इतने दिन से मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि अच्छे से पढ़ लो पास हो जाओ, हर बार का तुम्हारा है कि तुम फेल हो जाते हो, आज तुमने मुझ पर ही गंदी नजर डाल दी, ये सब क्या है? हाँ नहीं मैडम मैं आपसे प्यार करता हूँ। स्टूडेंट होकर तुम ये सब बातें करते हो, मेरे बारे में तुम ये थॉट रखते हो अपना, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें कितने दिन से पढ़ा रही हूँ, तुमने कभी ऐसी हरकत नहीं की मेरे साथ, पर तुमने आज मुझे ये सब
तुम मेरी नजरों में ना बहुत गिर गए हो, समझे? अब मैंने तुम्हें 1% भी नहीं पढ़ाऊंगी। फेल होते हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी फैमिली वालों को बुला के बहुत अच्छी तरीके तुम्हारी खातिरदारी करवाऊंगी, समझ में आया ना? नहीं मैडम, ऐसा आप मत करना। मेरे घर पे नहीं पता चलना चाहिए सब बात, वरना मेरे घर वाले मुझे बहुत मारेंगे, मेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद करा देंगे। मेरे से जो भी गलती हुई मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। तुम्हें ये सब पहले समझ में नहीं आया कि तुम गलती कर रहे हो? हाँ, करो तुम्हारी फैमिली को फोन। नहीं मैडम, प्लीज आप ऐसा मत करो, मैं आपसे सॉरी बोल तो रहा हूँ। अच्छा, डर गए क्या तुम? हाँ, तुम मुझे पसंद करते हो ना? जी मैडम। अच्छा, कितना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं जो बोलूंगी तुम करोगे वो? हाँ मैडम। अच्छा, तो तुम एक काम करो, मेरा रूम है ना उधर, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी, ठीक है, अब तुम जाओ। हेलो। हाँ जी, सनी के भाई बोल रहे हैं आप? अच्छा, वो आप मेरे घर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, तुरंत आता हूँ। हाँ जी, कहीं भी होइए आप, जल्दी आइए। जी ठीक। चलो, मैंने इसके भाई को तो फोन कर दिया है, अब ये यहाँ आएंगे ना तभी सारी बातें होंगी। ज्यादा इसको प्यार का भूत चढ़ा है ना, आज ही उतरवा दूंगी। अरे यार, मैं तो बेकार में परेशान हुआ था। मैडम तो मान गई, पर एक चीज है, मैडम एक्टिंग बड़ा मस्त करती है यार, पूरा डरा दी थी मुझे। अब बताऊंगा मैं राजू को। मैंने जब बताया उसे कि मैं मैडम को लाइक करता हूँ, प्रपोज करने वाला हूँ, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। कहता है तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैडम तुझे तो ना पटेगी। अब जाके सारी चीज बताऊंगा ना उसे, तो उसे पता चलेगा कि मैडम तुम मुझसे पट गई, मैडम ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ लेकिन मैडम अभी तक आई क्यों नहीं? वो तो बोली थी कि तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ। क्या करने लगी मैडम? मैडम अब देर मत करो, जल्दी से आओ। सनी की मैम इस वक्त मुझे बुलाई है, आखिर क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी का फीस बाकी है इसलिए बुला रही है? और कहीं ये तो नहीं कि सनी ने कोई गलती कर दिया है? हमें तो लगता है कुछ बात जरूर है, इसलिए इस टाइम बुलाई है। चलो मिल लेता हूँ, आखिर जो भी बात होगा सुनूंगा क्या बोलना चाहती हैं। ये सनी के भैया अभी तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम कहाँ लगा रहे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। हाँ मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलिए ना, क्या बात है? वो सनी की मुझे आपसे कंप्लेन करनी थी। सनी की कंप्लेन? हाँ, आप ये बताइए, वो आप लोग ध्यान नहीं देते क्या कि आपका भाई बिगड़ रहा है, पढ़ता लिखता नहीं है? और एक बात और, उसको मैंने कल होमवर्क दिया था और उसने होमवर्क भी नहीं किया, बोल रहा है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्या ये बात सच है? नहीं तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, और इतना झूठ बोल रहा है वो मेरे से। आपको दिखाती हूँ उसने किया क्या है आज। ये देखिए, ये क्या किया है उसने। क्या बताऊं, देखिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसको ना समझाता हूँ। आप तो संस्कार देते हैं क्या अपने बच्चों को? अरे मैडम,
कोई अपने छोटे भाई को ऐसा संस्कार देगा क्या? और वो है कहाँ निकम्मा? वो मेरे रूम में है, आप जाओ आपको वही मिल जाएगा। आप मुझसे मत लीजिए, मैं उसको अभी बताता हूँ। ऐसा हरकत आपके साथ किया हो, वो भी अपने मैम के साथ? उसको आप अच्छी तरीके से समझा देना, वरना मैं यहाँ ट्यूशन से निकाल दूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं। वैसे भी वो बहुत बार फेल हो चुका है, तब जाकर मैंने उसको पढ़ाने का डिसीजन लिया था, पर वो ये सब करेगा मुझे नहीं पता था। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको समझा लूंगा। अच्छा ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है चलिए। अरे मेरी प्यारी मैडम जल्दी आओ ना, मैं आपका प्यार पाने के लिए कितना परेशान हूँ। क्यों लेट कर रही है मैडम? लगता है मैडम आ गई। मैडम जी इतना देर क्यों लगा दिया आपने? बस ऐसे ही अंदर नहीं बुलाओगे? आइए आइए। बोलो। वो मैडम मुझे शर्म आ रहा है। अच्छा प्यार किया है तो फिर डरना क्यों और शर्माना क्यों? वो मैंने आपको लिख के तो बता ही दिया, पर सामने बोलने में थोड़ा सा, टीचर हो ना आप मेरी इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो पहले अपनी आंखें बंद करो, जो भी कहना है कह दो। ठीक है। अब तुम्हें जो भी बोलना है अपने दिल की बातें मुझसे बोल सकते हो। मैडम जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम अपनी आंखें खोलो। भैया आप बदतमीज, तू यहाँ पे पढ़ने आता है या ऐसा करने आता है? मुझे पता नहीं था कि तेरी बदतमीजी का शिकायत मेरे पास आएगा। तूने मैडम के साथ क्या किया है बता, जवाब बोल अपने मुंह से। बता ना क्या किया है। सॉरी भैया मुझसे गलती हो गया। अरे गलती हो गया, मैं तुझे पढ़ने के लिए पैसा देता हूँ और मैडम क्या बोल रही है कि मेरे साथ बदतमीजी करता है। देख अगर तुझे पढ़ना है ना तो ढंग से पढ़ ले, और नहीं तो चल तुझे मजदूरी करने के लिए आ दूं। नहीं नहीं अब ये गलती दोबारा नहीं होगी भैया, मैडम मुझे माफ कर दो। इतना सब बोलकर माफी मांग रहे हो, किस हद तक तुम्हें माफ कर दूं? तुम मेरे ट्यूशन पढ़ने के लायक नहीं हो समझे, मैं तुम्हें अभी ट्यूशन से निकालती हूँ। और तुझे पता है इतनी अच्छी मैडम मिलती, अरे कितना रिक्वेस्ट करके इनसे बोला था कि पढ़ाइए, वो मना कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि तू पढ़ लेगा। मैडम कोई नहीं, आज के बाद ये गलती नहीं करेगा, और गलती करेगा तो इसे भगा दीजिएगा। लेकिन प्लीज मैडम आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको पढ़ाइए, क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ाएंगे तभी ये पास होगा, और आगे से ऐसा गलती नहीं करेगा। प्लीज मेरी बातों को मान जाइए। अच्छा ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर इसने इस बार गलती की ना तो मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगी, बस सिर्फ आपके कहने पे मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। सीखो इनसे कुछ, ये तुम्हारे बड़े भाई है, इन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दी, एक तुम हो जो लड़कीबाजी करने पे यहाँ पड़े हुए हो, अपनी मैम को ही ऐसे बोल दिया, ऐसे संस्कार है तुम्हारे, कुछ सीखो इनसे, समझ में आ रहा है ना, सीखो इनसे। सॉरी मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, भैया आप भी मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ चल अब घर चल, और हाँ कल से कोई गलती मत करना, समझा? चल मैडम उसके लिए सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। ठीक ये सनी पता नहीं कब तक इसका ऐसे ही चलता रहेगा, इसने बोला तो है इस बार, पता नहीं क्या ही करेगा। अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो इसको यहाँ से निकाल ही दूंगी, फिर चाहे इनके भैया बोले या फिर कोई भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो इसके अच्छे भविष्य के लिए इसे समझा रही हूँ, पर यह है कि समझता ही नहीं है।